हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है, कोकोपीट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कोकोपीट को कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कोकोपीट बेसिकली एक फाइबर है जिसे नारियल के छिलकों से तैयार किया जाता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं नारियल छीलते समय जो भूसी जैसा पदार्थ निकलता है वही कोकोपीट कहलाता है। ये 100% ऑर्गेनिक यानी कि जैविक पदार्थ होता है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले मिट्टी में मिलाने से मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है, जिससे जड़ों को आसानी से विकसित होने के लिए जगह मिल जाती है। नंबर 2, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अधिक मात्रा में होने के कारण मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, और जिससे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जड़ें भी मजबूत होती है। नंबर 3, गमले की मिट्टी में इसे मिलाने से मिट्टी टाइट भी नहीं होती है और जड़ों को बढ़ने में आसानी से जगह भी मिल जाती है। नंबर 4, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नंबर 5, इसमें कोई भी खरपतवार भी ग्रो नहीं होती है और यह एक मल्चिंग का भी काम करता है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले अपन इसको एक बड़े से पतीले में पानी भर के उसमें डिप कर देंगे और यह अपने आकार का 5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि ये 5 केजी से 25 केजी हो जाती है। 5 किलो की ब्रिक्स से अपने को 25 केजी कोकोपीट अपने को मिल जाता है। 3 से 4 बार तक इसी प्रोसेस को दोहराना है, क्योंकि यह समुद्री पानी में तैयार किया जाता है कोकोपीट, इसलिए इसमें सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे पानी से निकाल कर निचोड़ लेंगे अच्छे से, और फिर इसको 3 से 4 दिन तक इसको अच्छी धूप देंगे और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में अपने स्टोर कर लेंगे। अपन यहाँ पे सीडलिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं जितनी मात्रा कोकोपीट की लूँगी उतनी ही मात्रा में वर्मी कंपोस्ट की भी लूँगी, यानी कि 50% अगर मैं कोकोपीट लेती हूँ तो 50% ही मैं वर्मी कंपोस्ट लूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इस तरीके के जो फूड बॉक्स होते हैं उनको आप सीडलिंग तैयार करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली कैरी हो जाता है और बहुत हल्के भी होते हैं। तो अपन इसमें अच्छे से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जो लिया था अपन ने उसको अच्छे से भर लेंगे, या फिर आप इस तरीके के डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं। आप इस इनमें भी जो कोटिंग मिक्स भर कर और सीडलिंग तैयार कर सकते हो, ये भी बहुत ही इजीली हो जाता है। कोकोपीट से आप इस तरीके से सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। ये देखिए, इसमें भी मैंने सीडलिंग तैयार करी है, कितने अच्छे से ग्रो हो रही है ये। आप लोग भी इस तरीके से तैयार कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में हो जाता है। इस तरीके के फूड बॉक्सेस में आप कोकोपीट यूज करके बहुत ही आसानी से घर पे ही सीडलिंग्स तैयार कर सकते हो। ये देखिए, इसमें मैं वेजिटेबल्स ग्रो करूंगी, उसके लिए मैं ये मिक्स तैयार करूंगी, और उसके लिए इसमें पहले से ही सॉइल डली हुई थी इसके अंदर, और मैंने इसमें 50% कोकोपीट लिया है और 50% ही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाइस, इसमें कितने अच्छे से वेजिटेबल ग्रो हो चुकी है। इसमें मैंने काउपी लगा रखा है और गिल्की भी लगा रखी है, ये काउपी है, कितने अच्छे से ग्रो हो रखी है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल जगह की कमी की वजह से ज़्यादातर तो लोग जमीन के बजाय गमलों में पौधे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि रूफ गार्डनिंग करते हैं। ऐसे गमलों में कोकोपीट का जो प्रयोग बहुत लाभदायक होता है।
इसके अलावा आप गमलों में और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं, सकलेंट्स होते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस कोकोपीट को गमले में भरकर उसको उसमें आसानी से वेजिटेबल, फ्रूट्स या फिर सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।